बाहर ना गली में फ्रूट्स वाला आया है, ये देखो मम्मी की शॉपिंग हो गई है। हेलमेट यही था यहाँ पे, तो यही वाला पहन। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो मैं आज जा रहा हूँ सूरत के लिए, और मेरा बैग मैंने आपको दिखाया था कि बेबी ने ऑलरेडी पैक कर दिया है, तो आपको दिखाता हूँ कितने प्यार से कितने अच्छे से पैक किया है। थोड़ा सा सामान मैंने कुछ और डालना था तो मैंने देखा, ये देखिए कितने अच्छे से कितने ढंग से पैक किया हुआ है मेरा बैग। ये देखो, ये रख दिए हैं कपड़े, ला 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 ला। ये रहे मेरे दूसरे कपड़े, और यहाँ पे मेरी चप्पल रख दी है। ये मेरा सारा किट है, इसमें सारा बाथरूम का सामान रहता है। ये मेरा टॉवल है, ये ऊपर ओढ़ने के लिए उन्होंने शायद चादर भी रखी है थोड़ी सी, और इसमें ब्रश है मेरे, तो अच्छे से पैक कर दिया उन्होंने सामान। बेबे बाहर काम करने के बाद सीधा घर में आके खाना भी बनाने लग गए हैं, ये देख लीजिए। ये देखो, ये मिर्च मुर्च काट लिया है, यहाँ पे आलू तले जा रहे हैं, और ये देखो ये वाली गाजर कह रहा हूँ, ये सुखा के रखी हुई है इन्होंने, ये सूखी हुई गाजर है ये। ये देखो इतने सारे ये लहसुन इन्होंने छील के ऑलरेडी रख लिया है, फिर धीरे धीरे इसको यूज़ करते रहेंगे। तो अभी बेबे बना रहे हैं आलू गोभी की सब्जी। इस बंदे का काम है 24 घंटे मोबाइल चलाते रहना, क्योंकि इसको मोबाइल चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। पढ़ाई करना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं मेरी तरह। ये देखो अब पहले इसने खाया केक, फिर अब ये लगा हुआ ये खाने। हाँ, मैं मीठा नहीं खा रहा, तो मेरे हिस्से का मीठा नन्नू खा रहा है। और मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये देखिए, मैंने सिर पे रुमाल बांध लिया है, किसी धार्मिक पर्पस के लिए नहीं डाला है। मैं जा रहा हूँ तो रास्ते में धूड़ मिट्टी ना लग जाए, क्योंकि आज ही बाल धोया मैंने, दोपहर को नहाया हूँ, तो अगर मैं अभी जाऊँगा तो मिट्टी मिट्टी लग जाएगी। यहाँ से मैं अमृतसर जा रहा हूँ, अमृतसर से मेरी है फ्लाइट, और फिर जो जो होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, तो बने रहें व्लॉग में। लोग जा रहे हैं बेबे की स्कूटी में, क्योंकि बेबे मेरे को छोड़ने जा रहे हैं। बेबे को गाड़ी चलानी आती तो गाड़ी चला के जाते, तो अभी मैं जाते वक्त मैं चला लूँगा, आते वक्त बेबे फिर आ जाएंगे स्कूटी चला के। आजो जी, आजो 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 आजो। फोन नहीं देगा, वो चलाता रहेगा। आय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, गर्मी ऐसी है ना, इस सीट पर ऐसे डायरेक्ट बैठना बड़ा खतरनाक हो सकता है। थोड़ा सा पानी पुनी फेंक के फिर बैठो। ओ जी लाओ 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 लाओ, ये रही हमारी स्कूटी। हम टेची भी पड़ा, नहीं टेची तो मैं आगे रख लूंगा। नहीं मैं टेची भर लेनी, बोतल नहीं, पानी की बोतल पकड़ो बस। हेलमेट यही था यहाँ पे, तो यही वाला पहन लिया, तो बैग जो है कि आगे नहीं आ रहा है स्कूटी में। हाँ। तो बेबे पीछे लेके ही बैठेंगे। हाँ। बैठ जाओ आगे, आगे थोड़ा और आगे, लो ये ऊंचा है ना, चलो आ जाओ बैठ। लाइव लाइव चल रहा पूरा, क्या बात है। तो जी अब हम निकलते हैं यहाँ से। बेबे ने मुझे अमृतसर की बस में चढ़ा दिया था, तो ये देखिए अमृतसर हम एंटर होने लगे हैं, और यहाँ से सिर्फ 45 मिनट का रास्ता रहता है एयरपोर्ट का, तो मैं आगे से ऑटो लूँगा फिर पहुँच जाऊँगा एयरपोर्ट। तो दोस्तों अमृतसर एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ, और यहाँ से मेरी फ्लाइट है। पहले जब हम मूवीज़ देखा करते थे ना, उसमें अक्सर ये सीन आ जाता था, हीरो भाग के जाता है हीरोइन को रोक लेता है, या हीरो भाग के जाता है लेट हो रहा होता है जाके जहाज में बैठ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता असली ज़िंदगी में। यहाँ पे बोर्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। ये देखो लाइन कितनी लगी हुई है। लाइन में बहुत टाइम लगने के बाद मेरे को बोर्डिंग पास मिल गया था, तो मैं हो गया आराम से रिलैक्स। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मेरे पास सेब पड़े थे, बेबे ने काट के दिए थे, मैंने कहा चलो ये खा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग होने लगी थी, फिर उन्होंने निकाल ही देना था, बेल्ट बुल्ट वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, मोबाइल वगैरह ये। ओ मित्रा दा बेस वजदा, बेस वजदा, मित्रा दा बेस। ये देखे पूरा चिल हो रहा है, यहाँ पे आराम कर रहा हूँ, आराम फरमा रहा हूँ, क्योंकि वेट कर रहा हूँ ना फिर मैं, और जैसे ही हमारी फ्लाइट आ जाएगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। और सबसे खतरनाक मूवमेंट ना ये वाला लगता है, ये देखो अब जब ना ये आवाज़ करने लगता है ना, थोड़ा डर लगता है जब चढ़ता होता है, तो शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा डर लगता होता था, अब तो चलो नॉर्मल हो गया, मगर फिर भी एकदम जब चढ़ता है तो एकदम सिर पे ना चक्कर सा आता है, और दिल पूरा ऐसे घबरा जाता है। हम लोगों के ना छोटे छोटे सपने होते हैं, ग्रेजुएशन तक मैं कभी जहाज़ में चढ़ा नहीं था, उसके बाद मैं एक मूवी के शूटिंग के लिए चढ़ा था, और पहली बार जब मैं गया था
रांची में शूटिंग थी, उसके बाद धीरे धीरे चलने लगा। अब मम्मी भी घूम गए हैं, हमारे तकरीबन सारी फैमिली, बड़े भाभी, भैया, मन्नू, आरती, अनिल जी सब घूम चुके हैं जहाज़ में, सिर्फ पापा रह गए हैं। अब मेरी लास्ट मतलब कि एक दिल की जो तमन्ना है ना वो ये है कि पापा को कहीं लेके जाऊं ट्रिप पे और वो हवाई जहाज़ में घूमें और उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको दिखाऊं कि पापा को कैसा फील होगा। फाइनली डगमगाता हुआ हमारा जहाज़ ऊपर की ओर चढ़ पड़ा है और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है ना, देखो मेरे को तो विंडो सीट बहुत ज़्यादा पसंद है, सच बात बताऊं, क्योंकि अभी नया नया चाया, अभी उतरा नहीं है, क्योंकि नए नए लोग हैं, अभी हम नया नया सफ़र करने लगे हैं और बाय चांस मेरे को विंडो सीट मिल गई है, नहीं तो ये मेरी विंडो सीट नहीं थी, मेरी सेंटर वाली सीट थी, पता नहीं कैसे मेरे को विंडो सीट बोर्डिंग के टाइम पर मिल गई, शायद मैं पहले आ गया इस वजह से। और अब आपको जो मैं व्यू दिखाने वाला हूँ, आप मतलब कि कमाल का व्यू और कमाल का रिकॉर्ड हो गया है, ऐसा व्यू तब रिकॉर्ड हुआ था जब मैं दुबई गया था, और अभी ये देखना, अभी क्या ही कमाल रिकॉर्ड, ये देखो, ओए होए 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 होए, दुनिया देखो कैसे बसती है ज़मीन पे, है ना, लाइट ही लाइट, सड़कें चल रही हैं, सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, घरों में लाइट चल रही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, ऐसे पता लगता है, नहीं तो हमें कहाँ पता लगता है। तो पलक झपकते ही हम दिल्ली पहुंच गए हैं। अभी आप ये जो नज़ारा देख रहे हो ये दिल्ली का नज़ारा है और ये दिल्ली की जनता है जो दिख रही है। तो हम अब दिल्ली लैंड करने वाले हैं, तो ये जहाज़ उतर रहा है, अब तो और भी ख़तरनाक मज़ा आता है। आहा, क्या ही बात है। गणपति बापा मोरिया। तो हम दिल्ली पहुंच गए हैं और अच्छा रहा सफ़र, मज़ा आया। और अभी हमारी यहाँ पे स्टे है तो मैं इस जगह पे लेट गया हूँ और थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, सो लेता हूँ, क्योंकि सुबह मेरी फ़्लाइट है। लो जी, गुड मॉर्निंग, ये फ़्लाइट लग चुकी है और अब सुबह सुबह हम फिर फ़्लाइट पे बैठ के अब निकलेंगे सूरत के लिए। बारी खोल के वाहेगुरु बोल के नी सीटी उत्ते बह जा बलिए, नवा ले लिया ट्राला तेरे यार ने, बबियां दे चल चलिए। और देखो सुबह की पहली लाली गुड मॉर्निंग हो गई है, ढलता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा, नहीं ये उगता सूरज है। और ये देखिए कैसे ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे हमें लग रही हैं। और एक बात और बताऊं, जहाँ आदमी की इच्छा होती है ना वैसा ही हो जाता है। देखो अभी भी मेरी विंडो सीट नहीं थी, मेरी सीट थी सेंटर वाली और मेरे आसपास एक कपल बैठने वाला था, तो कबाब में हड्डी बनने वाला था मैं, ये आप सोच लो। और उन्होंने खुद बोल दिया कि आप विंडो सीट हो जाओ, उस साइड हो जाओ, हम दोनों ने एक साथ बैठना, क्या आप ऐसा कर सकते हो। मैंने कहा ले नेकी और पूछ, मैं तो बड़ा खुश हो गया और मैं सीधा उधर हो गया, साइड की साइड बैठ गया और मैं बनाने लग गया साइड में वीडियो और मज़े से देखने लगा नज़ारे, क्योंकि यही तो नज़ारे हैं हमारे, और क्या नज़ारे हैं, सारी उम्र यही सोचते रहे कभी हम जहाज़ में बैठेंगे, आजकल जहाज़ में बैठ रहे हैं तो हम उसको फिल्मा रहे हैं। ऐसा ना आपको लग रहा होगा कैसे बेचारा गरीबों की तरह जहाज़ की वीडियो बना रहा है जैसे पहली बार बैठा होता है। हाँ आप समझ लो, चाहे मैं दसवीं बार भी बैठ जाऊँ ना, मैं इसी तरह इसी एक्साइटमेंट के साथ बैठूंगा और जिस दिन पापा के साथ बैठूंगा उस दिन तो कमाल का ही मज़ा आ जाएगा। चलो इसी मौके पे हम बहुत सारे गाने गा रहे हैं तो एक गाना पहाड़ी भी गा देते हैं। और चंदू ड्राइवरा मठू मठ प्लेन चला, टेढ़े मेढ़े बादल चंदू जरा तू माई लगा, टेढ़े मेढ़े बादल चंदू जरा तू माई लगा। ये देखो अब धीरे 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 तेज होने वाला है। कल हमने आपको दिखाया रात का नज़ारा, मतलब इसी ब्लॉग में रात का नज़ारा दिखाया, अभी हम दिखाने लगे हैं आपको दिन का नज़ारा। तो डे और नाइट एक ही दिन में एक ही ब्लॉग में आपको दिखा दिया है, तो है ना कमाल का ब्लॉग। ओ चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, खिंच दे चोपड़ा।
अग ला रहे अग मैं क्या अग वो प्लेन ना लगा रही अग। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जब हम ऐसी चीजें कर रहे होते हैं ना, अच्छा भाई झूला ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता कि नहीं होता, नेगेटिव बहुत ज्यादा आदमी सोच लेता उस समय। मैं सोच रहा था कि मेरा बीमा है, मेरे पीछे कुछ हो जाएगा अगर इस प्लेन को, क्योंकि मैंने थोड़े टाइम पहले एक घटना देखी थी, जहाज उड़ते जरिए आग लग गई उसको, वो ब्लास्ट हो गया, खराब हो गया जहाज, है ना। तो मैं ऐसे सोचने लगा ये जहाज चढ़ता चढ़ता इसको आग लग जाए, उतरते उतरते ये क्रैश हो जाए, ऐसे ऐसे माइंड में आने लग जाती हैं चीजें। तो ऐसे आपके भी दिमाग में आते हैं मेरे को जरूर बताना। तो पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अच्छे से हम ऊपर जा रहे हैं, जहाज में घूम रहे हैं, नजारे देख रहे हैं, दिल्ली को ऊपर से देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था इन चीजों के मामले में मैं बहुत लकी हूं। ये देखो कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नजारे आ रहे हैं, क्या ही बात है। बादल नीचे है, हमारा जहाज ऊपर है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड में खेती होती है, खेत पहाड़ी नुमा खेती होती है ना, वो ऐसे लग रहे हैं बादल। वो देखो नीचे, ओहो क्या बात है। स्वर्ग का जो विख्यान किया जाता है वो इसी तरह किया जाता है कि स्वर्ग में इस तरह बादल होंगे, ये होगा। अगर परमात्मा ने साथ दिया ना, वो वाला काम भी करना है जहाज से छलांग लगाने वाला, इसी तरह बादलों के ऊपर ना छलांग लगा देनी है पैराशूट पहन के, वो भी करना बकेट लिस्ट में है वो काम। मैंने कहा जाते जाते बाथरूम के दर्शन भी करवा ही देते हैं। मैं पहले सोचता होता था बाथरूम कैसे करते हैं, ऊपर करते होंगे नीचे गिर जाता आसमान से, पर ऐसा नहीं है। लो जी हंसते खेलते आप लोगों से बातें करते वीडियो बनाते बनाते देखो पता ही नहीं लगा किस टाइम हम गुजरात पहुंच गए, सूरत पहुंच गए। गुजरात का ही शहर है सूरत, तो सूरत की सूरत देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग्स बड़ी प्यारी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुबई वाला व्यू होता है, दुबई में भी एक्यूरेट इसी तरह बिल्डिंग्स लग रही थी। तो हम अब लैंड करने वाले हैं, तो मजा आ रहा है ऊपर से। हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही। आगे से ना काला बैग कभी नहीं लेके आना, सारी दुनिया के पास काला बैग है। मैं कंफ्यूज ही हो गया कि मेरा बैग कौन से वाला है, वो तो मुश्किल से नाम पड़ा। फाइनली सूरत पहुंच गया हूं और सूरत का एयरपोर्ट बड़ा साफ सुथरा है, अच्छा है। वैसे तो एयरपोर्ट सभी साफ सुथरे ही होते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, तो मैं सूरत एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ और यहाँ का मौसम अभी फिलहाल ठीक लग रहा है, बाकी पता नहीं है कि बाद में धूप ना हो जाए। ऐसे भी गूगल में दिखा रहा है 31 डिग्री टेम्परेचर ही है यहाँ का फिलहाल, बाकी जैसे जैसे दोपहर बढ़ती जाएगी शायद बढ़ भी सकता है। सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, बहुत जोर की भूख लग रही थी तो देखो वड़ा पाव खाने लगा हुआ हूँ यहाँ पे, और ये देखो कचौड़ी, और यहाँ का ये फेमस ढोकला। ढोकला। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो आज? हलवा कद्दू। हलवा कद्दू, हलवा कद्दू बोलते हैं मेरे ख्याल से। हाँ। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं आई गेस। तो ये देखो यहाँ पे कोई सीताफल भी बोलता है। अच्छा सीताफल तो दूसरा होता है ना, दूसरा होता है। हाँ वो फल होता है खाने वाला एक। अच्छा हमारा वहाँ का ऐसा कद्दू कहते हैं, कद्दू। हाँ। यहाँ तो कद्दू ही कहते हैं। अच्छा। तो यहाँ प्याज काटा जा रहा है, यहाँ लहसुन है और ये है कद्दू। ये मेथी डल गई, मेथी दाना डल गया है ऑयल के अंदर। मेथी डाला ज्यादा नहीं, वो पनीर वाला वो कल तेल। अच्छा अच्छा। इतना तेल निकाला था, वो पनीर के टुकड़े हैं। अच्छा, मेथी अच्छा। दाना आप डालेंगे। ठीक है, तो मेथी जा रही है ना। अच्छा लगता है। हाँ एक कड़ी में और एक इसमें कद्दू में मेथी, ये वाली का स्वाद अच्छा। इसके साथ पूरियां बहुत अच्छी लगती। अच्छा बहुत स्वाद लगती है पूरियां। आपको वैसे भी पूरियां पसंद है ना? पूरियां पसंद है क्या? मेरे को पूरी पसंद है। रोटी हमारी बनके तैयार है, ये सारा किचन भी साफ हो गया, तो मैं खाने लगी हूँ हलवा कद्दू के साथ रोटी। इससे पहले मूसी उठ जाए मैं पहले खा लेती हूँ। बाहर ना गली में फ्रूट्स वाला आया है, तो उसके पास 2 किलो 100 रुपए के आम और तरबूज वगैरह है, तो मम्मी वो खरीदारी कर रहे हैं वहाँ। देखो मम्मी की शॉपिंग हो गई है। आम, आम, लीची, लीची
मेरे से तो बोला भी नहीं होता। लीची ये कहते देख के खानी चाहिए, इसमें ना कीड़े होते हैं। हाँ देख के खानी चाहिए, मतलब सफेद ही होते हैं ना इसके अंदर। नहीं नहीं बीच में जब ना कहीं है, हाँ सही है, जो ये बीच में होता है ना कोई, हाँ इनमें कुछ नहीं होगा, जो बिल्कुल बंद है, जो बिल्कुल ऐसे जो है इनमें सब होता है। चल नया खा लेते हैं, खा अभी नया। तो मैं खाने लगी हूँ रोटी, मम्मी आपके लिए डाल दूँ? वीडियो घर से बनी है, वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ। देखो नोबिता बैठा खाना नहीं खा रहा और हमारी रिधि बेटा सो रही है, मम्मी भी सो रही है। तो ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।